नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जाएंगे विम्सन फैंसीज के नए शोरूम में जो कि गुरुग्राम में है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए। साथ में आपको एक टूर कराएंगे छोटा सा और बहुत नज़दीक से आपको दिखाएंगे कि किस तरह के डिस्प्ले है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो उन्होंने वहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। सो हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैप ट्रैप, यू बैक अगेन। एवरीबडीज फेवरेट विम्सन फैंसीज इज नाउ अवेलेबल इन गुरुग्राम and congratulations to Mr. Sharma for opening a new store. I think he deserves a like, don't you think? So hi Chavam. Hi sir. We have reached finally. Yes. I'm sorry, थोड़ा सा late हो गए. हाँ जी. आप बहुत late हो गए. हो गया inauguration पूरा? Yes yes yes. Okay. Open कर दिया हमने. चलिए. तो कैसा रहा opening? बस cinematic view के हिसाब से मैं आपके लिए gate खोलता हूँ. चलिए. चलिए. Okay. Done. So कल हमने ये video को upload किया था. And finally we are going to reveal this. अभी भी we are half prepared ना? क्या almost 80% done. अच्छा 20% just the finishing touch. But we are open वो क्योंकि it's a big space. हाँ. तो धीरे-धीरे time लगेगा उसको fill होने में. But अच्छा. हम करते रहेंगे साथ. चल. It's a ongoing process. Okay. जो परसों video डाला था ना, एक छोटा सा हमने कि एक बहुत छोटा सा basic information दिया था कि store is coming up. हाँ जी हाँ जी. तो reviews बड़े अच्छे थे. Yes yes. इतनी सारी wishes मिली and I wanna thank you all. कि आपने इतने सारे विशेष मेरे को पहुंचाए. थैंक यू। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा इमोशनल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, देखिए शर्मा जी खड़े हैं वहाँ पे और शर्मा जी ने मुझे बता दिया था कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो शर्मा जी मुझे पूछ रहे थे कि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन WNF क्यों होता है। तो मैं उनको बता रहा था क्योंकि अब शुभम बहुत रेयर लोगों में से हैं जो डिजाइन प्लस क्वालिटी एंड ऑफकोर्स अफोर्डेबल, लेकिन आपको इक्वल फोकस डिजाइन पे रहता है। आपके हर वीडियोज में भी हम बात करते हैं। शुरू से ना सिर्फ चार चीजें ली हैं जी, क्वालिटी, प्राइसिंग, सर्विस, डिजाइन। डिजाइनिंग तो ऑब्वियसली, मतलब डिजाइन से तो शुरुआत ही है सबकी ना। सबसे पहले हम स्केच डिजाइन ही करते हैं, उसके बाद फिर क्वालिटी पे आता है, फिर प्राइसिंग पे आता है, फिर सर्विसेज पे आता है। तो ये चार तो इम्पोर्टेंट है जिसपे हम हमेशा काम करते आए और आगे भी करते रहे। बिल्कुल ठीक बात है। तो यूनिक डिजाइन बनाने के लिए अफोर्डेबल प्राइस में आप क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल राइट। चलिए सो जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए उनको एक हम वॉक थ्रू दे देते हैं कि क्या क्या आइटम्स हमारे पास हैं, सो दैट उनको एक आइडिया मिल जाए कि जो भी जिसकी भी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो सोच के फिर आ सकता है। थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं कि इतना बड़ा स्टोर आने के बाद में। हाँ जी, लोगों को लगता है कि परसेप्शन भी चेंज हो जाता है क्या? कुछ मुझे लगता है प्राइसिंग के हिसाब से परसेप्शन चेंज हो जाता है कि अगर बड़ा स्टोर है तो प्राइसिंग ज्यादा होगा। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो मायापुरी में हमारा प्राइसिंग था 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए, सेम प्राइसिंग यहाँ है सोफा में। बट अब हमारे पास स्पेस है, कैनवस है, तो हम 15,000 से 20,000 भी प्ले कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 15,000 से 20,000 में फर्क क्या है सोफा में, 10 से 15 और 15 से 20 में फर्क क्या है? फर्क कोई नहीं है, स्पेसिफिकेशन सेम है सबकी। फर्क उसमें आता है कि किसी में लेबर टाइम ज्यादा लगता है, अच्छा किसी में रॉ मटेरियल ज्यादा लगता है, तो उसमें प्राइसिंग का फर्क आता है। जिसमें फॉर एग्जांपल अभी हम 500 रुपए मीटर लगा रहे हैं, मैं भी 1,000 रुपए मीटर लगा रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन जो इंटरनल स्पेसिफिकेशन है वो सेम रहती है। अच्छा, कुछ फैब्रिक का चेंज हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी में चेंज हो सकता है। एक डिस्प्ले का भी मुझे लगता है फर्क पड़ता है यहाँ पे ना, लोगों को दिख पड़ता है कि कैसा है। बिल्कुल, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल यही हम बात मायापुरी में करते थे ना कि जैसे सोफा इधर उधर ऐसे ही रख दिया, अगर मैं प्रॉपर इसको डिस्प्ले में लगाऊं तो पूरा जब सिनेरियो आपको चलेगा कि आपके ड्राइंग रूम में कैसा लगेगा तो उसका अलग फील आता। बिल्कुल ठीक बात है। और हम पर्सनली मैं भी आपको बोलता था और हम काफी रिपीट करते थे और आप में मिलके कि प्रॉपर डिस्प्ले हो, प्रॉपर डिस्प्ले हो, फाइनली वी हैव गॉट द डिस्प्ले। ओके, अब ये डिफरेंट सिटी डिफरेंट सेटअप, तो कुछ प्रोडक्ट में आपने माइंडसेट दिमाग के में सोच के रखा हुआ है कि गुरुग्राम के लोग हैं तो इनके कलर पैलेट अलग होंगे, इनके डिजाइन अलग होंगे? नहीं, मेरा जो टेस्ट है जो मायापुरी में टेस्ट था, जो गुड़गांव में, मेरा टेस्ट सेम ही रहेगा। ओके, वहाँ पे भी अच्छा था, यहाँ पे भी अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। राइट, एक अपना सिग्नेचर है आपका। एक अपना सिग्नेचर होगा और सेम कैटलॉग है, सेम प्राइसिंग है और नए नए डिजाइन हम ऐड करते रहेंगे। चलिए ठीक है। एंड अब मैं इस बता दूं कि एनर्जी इसलिए लो है बिकॉज़ वी आर शूटिंग इट फॉर द सेकंड टाइम। यू कैन ब्लेम मी फॉर दैट, रीशूट कर रहे हैं हम, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया था पहले। ओके, हाँ बिल्कुल है, अब तो है, लेकिन हम मुझे लगता है कि जब भी हम रीटेक करते हैं ना तो पहले से ज्यादा अच्छा करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अच्छा, डाइनिंग में आपका थोड़ा सा ना शॉर्ट हैंड था, मतलब यू नेवर फोकस्ड ऑन डाइनिंग। Yes, but अब जैसे मैं डाइनिंग के बारे में बता रहा था कि जो टेस्ट मेरा हमारा सोफा में रहा है या फर्नीचर में रहा है वही टेस्ट हमारा अब डाइनिंग में है। बिकॉज हम वो कॉम्पोजिट और चिप ऑफ वाले नहीं है, दिस इज नेचुरल मार्बल। नेचुरल मार्बल में इम्पोर्टेड डाइनिंग टेबल्स हैं एंड प्राइसिंग इसकी, आप पहले बात तो जो इन्वेंट्री रख रही है ये रखी है हमारे पास, जो डाइनिंग टेबल्स के डिजाइन है ये आपको सिर्फ MG रोड में मिलेंगे जी, आपको कीर्तिनगर में ये डिजाइन नहीं मिलेंगे। right.
और जो हमने प्राइसिंग रखा है वो फैक्ट्री आउटलेट के हिसाब से ही प्राइसिंग रखा है। राइट, यस, ठीक है। तो जो आपको जो इटालियन टेस्ट है जो आपका विजिट रहा सलोनी में, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है आपके काम में, कॉफी टेबल्स में भी रिफ्लेक्ट होगा, डाइनिंग में भी। ऑलराइट, ओके। ट्रेंड में भी यही है काफी म्यूटेड होने की वजह से, ये वो जैसे इम्पोर्टेड था, ये इंडियन है। दिस इज इंडियन, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें आप जो मर्जी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं जी। एंड हम दोनों पे फोकस करेंगे, इम्पोर्टेड पे भी और इंडियन पे भी, बिकॉज सी इम्पोर्टेड में ये है कि जो इम्पोर्टेड में फैब्रिकेशन का काम है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। अच्छा, और इंडियन में थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शंस है जी। तो अपोल्स्ट्री में तो हमारी बहुत अच्छी पकड़ है कि हम इंडियन सोफाज में भी ऐसे ऐसे डिजाइन ला देते हैं जो इम्पोर्टेड लगते हैं, बट फैब्रिकेशन में थोड़े से लिमिटेशन है। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, अब ये जो ये तो हमारी मास्टरी है, That is sofas. Sofas, yes, आपके सामने है। This is one of the hot selling. हमने पहले बहुत बार कवर किया हुआ है इसको, बट इसका आज लुक अलग आया because हमने इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ रखा है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब हम ऑफ जब भी Clapper family member से भी हमारी कुछ बात हुई, हाँ जी, तो it's not about just you and me. बिल्कुल। Unanimously, if you gather everybody's piece of information, everybody is saying starting with design, it comes to affordability. बिल्कुल। Everybody is saying the unique, your designs are unique, your finish is amazing. सी पता क्या, लोग भी ना जो कस्टमर्स हैं हमारे वो बोर हो जाते हैं। जैसे कीर्ति नगर में या फिर किसी भी आप मार्केट में ले लो, फर्नीचर मार्केट, हम एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लेंगे, किसी भी में ना आप हर शॉप पे जाते हो तो ऑलमोस्ट सेम डिजाइन होते हैं, रिपीट होते हैं। बिल्कुल। तो लोग बोर हो जाते हैं कि यार सेम डिजाइन हर जगह है। राइट। बट जो डिजाइनर होगा ना, वो खुद डिजाइन जब करेगा तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। बिल्कुल। कि यार ये डिजाइन कहीं और नहीं रखा। ठीक बात है, क्योंकि आपके अपनी खुद की ब्रेन चाइल्ड है वो। बिल्कुल, है ना। वो अलग बात है कि हमारा डिजाइन भी दो महीने बाद कॉपी हो सकता है, नहीं तो फिर आप डिस्कंटिन्यू कर देते हो। हम कीप ऑन इवॉल्विंग। आप तो डिस्कंटिन्यू कर देते हो। हाँ, फिर हम इवॉल्व करते हैं, फिर नए डिजाइन आते हैं, नए डिजाइन आते हैं। जैसे चेस्टरफील्ड का ओरिजिन आपको याद है, हमने और आपने कितना प्रमोट किया था। बिल्कुल। आज इंडिया में जितने चेस्टरफील्ड की सेल हुई है, यू हैव प्लेड अ मेजर रोल। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। अब आपने उसको, अब आप दूसरे जोन में चले गए। बिल्कुल। राइट। ओके, मूविंग ऑन टू दिस वन। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेस, पंपकिन कलर में। बिल्कुल। प्रॉपर, जैसे जो स्लीकनेस हमने सोफा में रखी है ना, वही स्लीकनेस हमने इसके कॉफी टेबल में रखी है। ओके, पर्सनल एक रिकमेंडेशन है ऑल द Clapper फैमिली मेंबर्स कि आप ना प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से शुभम पर्सनली कारीगर के साथ इन्वॉल्व होते हैं एवरी सिंगल डिटेल में। मैंने 4 साल फैक्ट्री में खड़े होकर यही सब कुछ ही किया है जी, फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल प्रोडक्ट। मैंने 4 साल खुद खड़े होकर बनवाया सब कुछ, तब जाके 4 साल बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि अब हम स्टोर ओपन करके कुछ नया कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमने कुछ यहाँ पे बेड्स भी डिस्प्ले किए हैं। हाँ जी, बेड्स तो बहुत सारे हैं, बेड्स पे हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, आप एक ओवरऑल ले लो। बाकी बेड्स में हमने कोशिश है मेरी कि मैं 20-25 डिजाइन तो कम से कम रखूं बेड्स के। ओके। सोफा के 30-35 डिजाइन रखूं, कॉफी टेबल्स रखूं, डाइनिंग रखूं, और आइटम्स ऐड करूं, तो काफी चीजें हम ऐड करते रहेंगे। राइट। वैसे हमारा जो जो मायापुरी वाला प्राइस रेंज है, उसी रेंज में रहेंगे हम 100% को लेके। नाउ वी हैव 2 stores व्हिच इज वेरी क्लियर, वन इज इन मायापुरी व्हिच इज फैक्ट्री आउटलेट एंड फैक्ट्री, वन इज इन गुरुग्राम व्हिच इज स्टोर एंड फैक्ट्री आउटलेट। तो कैटलॉग सेम रहेगा, प्राइसिंग सेम रहेगा, बट हमारा कैनवस बड़ा हो गया तो हमारा प्राइस रेंज बड़ा हो जाएगा फ्रॉम 10 to 15। नाउ वी विल कवर 10 to 20। ओके, सो पर सीट जो हमारा प्राइस रेंज था सोफास का वही रहेगा, सेम है, सबके पास सेम है। यहाँ पे तो बल्कि और कम हो जाएगा, बिकॉज़ अभी जो डिस्काउंट्स हम लाएंगे इनॉग्रल ऑफर और जो भी दिवाली ऑफर है, उससे और कम डिजाइन हो, और कम प्राइस हो जाएगा। राइट। आपके पीछे एक मास्टरपीस है, और हमारे पास एक मास्टरपीस ये भी है। बिल्कुल, ये भी है ना। चलिए, ये हमने क्या इम्पोर्टेड है, दिस इज इम्पोर्टेड, बट आप टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये रेगुलर डाइनिंग नहीं है। वेरी नाइस, ओवल शेप में, ओवल शेप में। ओके सर, क्या बोल रहे थे शर्मा सर, वो ये बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ आप ये मुझे दे दो, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में यूज करना चाह रहे हैं इसे। यस, उनका ऑफिस थोड़ा सा लैविश है, लग्जरी है, तो वो अपना ऑफिस डेस्क की तरह इसको यूज करना चाह रहे हैं। मतलब पीपल आर गेटिंग सो इनोवेटिव। यस, है ना, लोग काफी जो आपको फॉलो करते हैं। मेरे माइंड में था कि वी हैव अ डाइनिंग टेबल और इसके साथ हम चेयर्स हम इंडियन लगा देंगे, जो भी क्लाइंट बोलेगा वैसे ही। अच्छा, क्लाइंट के माइंड में कुछ और था, तो वो बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं। राइट, सो दिस वन इज सोल्ड आउट नाउ। यस, जैसे कुछ और पीसेस के सोल्ड आउट थे। ठीक है, डन। ये भी हमारा होम प्रोडक्शन है, 2 सीट। हां, ये भी होम प्रोडक्शन है जी। ओके, ये क्या बेडरूम के लिए? यस, इट्स अ बेडरूम पाउच। ओके, चलिए। और ये दिस इज आवर रिवर क्रॉस सोफा, अक्सर याद है, मैं इस बारे में बात करते हैं। यस 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 यस, रिवर क्रॉस रिवर वॉक सोफा। और ये सबसे स्टार्टिंग में हमने जूट में बनाया था, जो आप एक व्हाइट कलर का था जो आपको बहुत अच्छा लगा था, ये वो। जी जी जी। हां, ये जूट में भी बना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में हमने थोड़ा सा वो दिया है, थोड़ा सा घर वाला लुक दिया जी। हम फर्निशिंग और मैट्रिसेस में भी आएंगे स्लोली, धीरे धीरे सर, क्योंकि जो हमारी आइडियोलॉजी है और जो हमारे काम करने का तरीका है,
हमारी जो भी सोच उन ब्रांड से मैच होगी जो सेम चीज दे पाएंगे तो हम उनके साथ जरूर पार्टनरशिप करेंगे। चलिए, दिस इज एवरीबॉडीज फेवरेट, ये भी हमने रिकॉर्ड सेल रहा हमारा, बिल्कुल से सेटिंग डिस्टर्ब हो गया बिकॉज़ ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइंट्स आर कमिंग इन, राइट। ये हमारे क्या रेंज में है अभी? अगेन सेम प्राइस है, मैमरी वाला 12,000 पर सीट, 12,000 पर सीट, अभी तो बल्कि और सस्ता होगा बिकॉज 20% विल गिव डिस्काउंट इन कमिंग वीडियोस। अच्छा, तो हम सब पे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे एंड विल गिव डिस्काउंट्स। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी इस वीडियो से भी काफी सारे लोगों की क्यूरियोसिटी, और ये सेम डिजाइन है? नो डिफरेंट डिजाइन। यस, डिफरेंट डिजाइन। अच्छा, डिजाइन भी डिफरेंट है, फैब्रिक तो ऑफ कोर्स है डिफरेंट, फैब्रिक भी डिफरेंट है, डिजाइन भी डिफरेंट है। ओके, डन। अब ये वाला एक बेड है, इसके बारे में आपसे ब्रीफिंग ले लेते हैं। एक डिजाइनर बेड है, इसको इंडिया में काफी कॉपी किया गया सर, वो और बहुत बुरी तरह से कॉपी किया। ओके, क्या डिफरेंस है? दिस इज ब्रास, हैमर्ड ब्रास एंड इट्स अ इंपोर्टेड पीस। ये एक प्रोजेक्ट के लिए हमने स्पेशली मंगवाया, एक प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, एंड इट्स ऑन अ हायर साइड बट जो फिनिशिंग है इट्स अ ओरिजिनल बेड। जो ब्रांड है आई डोंट नो कि मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट द ब्रांड नेम इज बोको द लोगो। बोको, बोको द लोगो, कहां से? बोको द लोगो, इटालियन ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है, उनका बेड है। अच्छा, डन। ये वैसे कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, आई मीन मुझे सरप्राइज नहीं होगा, 10 लाख जो ओरिजिनल रेट है वो यही है, बट जस्ट बिकॉज के वो ब्रांडिंग का इसमें टैगिंग नहीं है तो उसका 50% में आ सकता है। अच्छा, ये आपने उसी कंपनी से लिया जो उनके लिए बना रहे हैं? सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लिया है। ओके, जस्ट विदाउट ब्रांडिंग। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले है, डाइनिंग सेट, सिंगल सोफा सेट, कॉफी टेबल्स, यूनिक कॉफी टेबल्स। ओके, इंपोर्टेड में? यस, एंड सी दैट कॉफी टेबल, सुपर्ब, क्लास। सो ये हमारा एक्सटेंशन है। यस, ये लेदर में? दिस इज प्योर लेदर, दिस इज फ्रॉम इटली, इंपोर्टेड किया है, दिस इज इंपोर्टेड पीस फ्रॉम इटली, प्योर लेदर, कासा इटालिया का है। हमने सिर्फ कॉफी टेबल्स और वो साइड टेबल ऐड किया है, एंड अगेन आर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, राइट। ये भी हमने मायापुरी में देखा था, बिल्कुल। ये विदाउट स्टोरेज बेड भी हमारे पास, यस, एंड दिस डिजाइन। ओके, वेरी सेफ एंड सिक्योर, टक्सीडो स्टाइल का। हाँ, इसका लुक ऐसा लगता है कि इंपोर्टेड है, बट दिस इज आवर इनहाउस मैन्युफैक्चर। अच्छा, डन। यहाँ पे जो हमारे को कम दिख रही हैं वो हैं चेयर्स। चेयर्स कीप ऑन एडिंग। अच्छा, अभी 30-35 चेयर्स हम ऐड करते रहेंगे, दिस किड्स चेयर। अच्छा, किड्स रूम के लिए, राइट। चेयर सीरी सोफा के साथ के लिए। ओके, डन। ये नया रिसेंटली इंट्रोड्यूस डिजाइन है, लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर यू। नहीं, अब भेटिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, इसको भी आपने एक नाम दिया ना सोफा का? मुझे भी याद नहीं आ रहा। ओके, लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, परफेक्टली सूटेबल, वेरी नाइस, ये भी हाई टैलेंट डिजाइन है, एंड दिस इज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस वन। ये हमारा हॉटेस्ट सेलर, यस, सेम कलर में हमने पता नहीं कितने सारे पीसेस बनाए, वेरी नाइस, एंड हमने इसको एक्सरसाइज किया है विद द कारपेट, तो सीटिंग हाइट लो है तो हमने टेबल भी लो लिया है, एंड थोड़ा सा पुफ ऐड किया है, थोड़ा सा साइड टेबल ऐड किया है, एंड टेबल्स ऐड किया है, राइट। ओके, दिस वन योर फेवरेट, आवर फेवरेट, एवरीवनस फेवरेट, एवरीबॉडीज फेवरेट, बिकॉज़ आई लव इट फॉर द बुकले, बुकले इज माय फेवरेट, आपने मेरा बेड भी बनाया था बुकले में, यस, एंड बुकले टेक्सचर फैब्रिक होने की वजह से हम हमेशा बात करते हैं, मैट फिनिश के सेंटर टेबल्स इनके साथ अच्छे जाते हैं, स्कैंडिनेवियन हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया ये। ओके, इसका एक साइड टेबल भी था अभी, एंड टेबल, हां वो शायद सोल्ड हो गया, सोल्ड हो गया, यस। ओके, तो हम जल्दी से हमने अच्छा वो शूट कर लिया, शायद ये भी नहीं बचता है ना? नहीं, इसके तो काफी पीसेस हैं हमारे पास। ओके, ये तो प्रोसेस में, प्रोडक्शन में? हाँ हाँ, ये तो इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है, एनीथिंग कैन बी डन, कैन बी कस्टमाइज्ड टू एनी कलर। ये क्या प्राइस रेंज में? सेम प्राइस जो वहाँ पे था, फैक्ट्री प्राइस 15,000 रुपीज पर सीट, 15,000 रुपए बिकॉज ऑफ द बुकले फैब्रिक, अगर इसी को आपको योर फैब्रिक में ले तो विच इज चीपर, तो दिस इज विल कॉस्ट यू अराउंड 13,000। ओके, I think I got you at the right time, now the energy level is going down because you have been working very hard for 7 days. How long did it take you to actually get ready? 1.5 months. Pura stores ko scratch se abhi tak banane mein, from morning 9 to 12. So you have not been, you are sleep deprived, aren't you? But abhi to sone ka time nahi, abhi to jagne ka time. You have to work very hard actually. Yes. Okay, you have been inspiration to millions of youngsters, if I may say so. Because I have met a lot of people. Honestly speaking, yes. कई सारे youngsters को मैं मिला हूँ जिन्होंने आपको देख के आपके काम को समझा, आपके dedication को appreciate किया। आपके सामने इतने सारे clients हैं, the love I'm getting from everyone, कि अच्छा सामान है, price ये अच्छा है,
सो हम भी इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज इतना प्यार मिलता है. प्रोफेशनलिज्म अलग बात है बट एक पर्सनल टच होता है ना वो, मतलब अच्छा लगता है जब क्लाइंट आके बोलते हैं यार बहुत अच्छा है, मतलब ये सामान हम कहीं और नहीं देखते, तो अच्छा लगता है. बिल्कुल ठीक है. और वो लोग जो मुझे मिलते रहे और कहते रहे कि शुभम इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, शुभम इज माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, बिल्कुल यू डोंट रियलाइज समटाइम्स, आई मीन वी ऑल ऑफ अस स्पेशली यू, आई मीन इनडायरेक्टली यू डोंट कम टू नो बट यू कीप ऑन इंस्पायरिंग पीपल. यू हैव इंस्पायर्ड एट लीस्ट 50-60 बॉयज आई नो ऑफ और गर्ल्स, दोज हु आर इंस्पायर्ड बाय यू, दोज हु लुक अप टू यू. It feels good. बहुत अच्छा लगता है. All right. So time to say goodbye. Some of the products we could feature very cursorily. We could not feature anything in detail. In coming videos, हम एक proper videos बनाएंगे sofa पे proper, beds पे proper. तो हम बताते रहेंगे और information देते रहेंगे. All right. Yes. In case you, this is the last message to all the Clapped family members. Definitely. Then we'll interact with couple of family members. In case you want to buy any of them, you can get in touch with Shubham. Sure. Number is being flashed on the screen. We could not mention the price. But nevertheless, they are definitely pocket friendly. Yes. Right, sir? Yes, sir. Okay. Keep continuing. People are waiting for you. I need to sign out, right? Thank you. Thank you so very much. Thank you so much for coming. Welcome. Thank you. मैं डालूंगा. तो शर्मा जी आपके आप फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो डिस्क्राइब करते हैं ना वो मतलब कोई नहीं करता वैसे. ओके सो टेल मी क्या आपको क्या अच्छा लगा? फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे जी. जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वाकई में बहुत अच्छे हैं. और वाकई में संजीव जी आपसे भी मिलकर इतना अच्छा लगा जो आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, लोगों को आप रिकमेंड कर रहे हैं, ये अच्छा है. क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन से हम आए और यहाँ आके और ज्यादा अच्छा लगा कि जो इन्होंने शुभम ने क्वालिटी मेंटेन कर रखी. हम तो कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे कि नया स्टोर खोला है और चार पांच चीजें ली है हमने. बिल्कुल देखा हमने आपके कुछ हमने वो ली है कि उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे आके जो क्वालिटी मेंटेन करी हुई है वन ऑफ द बेस्ट चीजें हैं. फील्स गुड. थैंक यू. कंग्रेचुलेशंस. बहुत अच्छा लगता है. नाइस मीटिंग यू सर. हम लोग आप रोहिणी से आए ऑल द वे है ना जी. चलिए आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपसे हमें मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. ओके ऑलराइट. सो हम क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स को अक्सर मिलते हैं okay. और जब भी हम किसी स्टोर पे मिलते हैं तो उनको पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टोर के बारे में, अपने बारे में नहीं जी, कि वो स्टोर में ऐसा आपको क्या अच्छा लगा जो आप वहाँ उस पर्टिकुलर स्टोर पे गए. तो विम्सन फैंसीज के बारे में आपको क्या अच्छा लगा? इनका जैसे मैंने पहले भी वीडियोस देखी हैं तो जो काम करने का तरीका है ना उनका वो काफी अच्छा लगता है. और थोड़ा सा ये है यंगस्टर हैं तो थोड़ा सा समझते हैं, मतलब जैसे कि डिजाइन्स को समझते हैं कि क्या चाह रहे हैं. अब जैसे पुराने फर्नीचर होते थे उसमें अलग है लेकिन न्यू में सभी लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं. थोड़ा सा इनका काम करने का तरीका मेरे को जैसे मैंने पुरानी वीडियोस भी देखी हैं तो काफी अच्छी लगी है उसमें. बिल्कुल ठीक बात है. और जैसे वर्कर्स हैं तो ओपन काम है उनका, ऐसा नहीं है छुपा के कुछ कर रहे हैं. ठीक बात है. ओपन काम है, दिखाते हैं सब वीडियोस में तो वो अच्छा लगता है. बिल्कुल. और विम्सन फैंसीज के साथ जो हम भी रिकमेंडेशन देते हैं विम्सन फैंसीज का सबको जिनके पास जिनको थोड़ा पेशेंस रखना होता है जी जी. क्योंकि ये ना एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जी. डिजाइन का क्वालिटी का अफोर्डेबल प्राइस में डिजाइन एंड क्वालिटी का ऐसा ही कॉम्बिनेशन है जो बहुत रेयर है हमारे कंट्री में कि आपको अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे अफोर्डेबल रेंज में लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जी, जी, जी. उनको समझना पड़ेगा, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जी. राइट. सो एज ए कंज्यूमर भी हम सबको आप सबको भी बताते हैं कि जब भी आप स्पेशली विम्सन फैंसीज के पास आए तो थोड़ा पेशेंस रखें. हाँ, आपको चीज बहुत अच्छी मिलेगी है ना. चलिए अब ये देखिए आपका जब से मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है 4 से 5 साल हो गए हैं जी. तो जब भी मैंने सोचा था कि मैं कभी भी मतलब सोफा या बेड या कुछ भी लेती हूँ जी तो सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू लूंगी जी. थैंक यू. दूसरा ही है कि मैं ये देख रही थी कि काम किन का अच्छा है. ठीक है. तो मेरे को शुभम अच्छे लगते हैं, काम करने का तरीका जो होता है और एक वो छुपाते नहीं है कुछ. बिल्कुल, बहुत ओपन रखते हैं, ओपनली सब बताते हैं. जैसे फैक्ट्री टूर भी उन्होंने कराया था तो वो चीज अच्छी लगती है कि हाँ भी जो लगा रहे हैं वो दिखा रहे हैं वो. ठीक बात है. और हम प्लेटफॉर्म की अगर बात करें क्लैपटेरेपी तो हमारा एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है. जब भी हमको कोई अप्रोच करता है तो हम किस स्टोर के फोटो लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं कि उनका क्रिएटिव कितना है, उनका कमर्शियल कितना है. उसके बाद में वीडियोज बनते हैं. वीडियो बनने के बाद में फिर हम फीडबैक करते हैं कि टोटल रिव्यूज कैसे हैं. जैसे विम्सन फैंसीज के रिव्यूज आप देखें तो 10/10 है अभी. इनिशियली ऑफ कोर्स पीपल हैड प्रॉब्लम्स बिकॉज़ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है इनके साथ. नाउ एवरीथिंग इज स्मूथ, बहुत अच्छा है. मतलब 10/10 रेटिंग बहुत मुश्किल से मिलती है. तो उसके बाद में फिर हम देखते हैं रेटिंग इनकी पुअर जा रही होती है, फिर उनसे डिस्कस करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको खराब हो रहा है चीजें का. अगर नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं कुछ एक दो तो खराब, एक दो बारिंग तो देखिए होता है. कभी कभी
इन लोगों की जो इंडस्ट्री है वो काफी सारे लोगों पर डिपेंडेंट है जी। सबसे मेजर प्रॉब्लम वो ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंसी है या फिर स्टॉक सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ थोड़े इश्यूज आते हैं, पर WNF के साथ वो भी नहीं है। नहीं वो तो नहीं है, रेट भी ठीक है। हाँ, जैसे और हाईफाई होते हैं ना, भी 20 से ऊपर ही जाता है जी, तो वो चीज मुझे नहीं लगती। इनका रेट काम मुझे सब अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि पहले तो मायापुरी के लिए सोच रही थी मैं कि वहाँ पे जाऊंगी, लेकिन अभी जैसे फेस्टिवल्स भी हैं तो मैंने सोचा चलो अभी मौका है। फिर आपकी परसों वीडियो देखी मैंने तो अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। आप हाउसवाइफ हैं कि वर्किंग हैं? वर्किंग, मैं हाउसवाइफ। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन चौधरी है और अभी मैं आया हुआ हूँ विम्सन फैंसीज के शोरूम पे, और वाकई में यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मार्केट में फर्नीचर के नाम पे कॉपी बहुत अवेलेबल है, लेकिन जो एक जेन्युइन किसी ने अगर रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। फैंटेबुलस डिज़ाइंस, मटेरियल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मैं इनसे पहले भी, इससे पहले गए थे 3 घर के लिए सोफे और सामान ले चुका हूँ, और बहुत ही जेन्युइन सामान है, मज़ा आ जाएगा भाई। अभी तक आपने फर्नीचर का ना 10 जगहों से लिया होगा, 50 जगहों पे चेक किया होगा, एक बार विम्स एंड फैंसीज आके देखो ना, आपकी सारे के सारे ख्याल बदल जाएं और आप कहो कि नहीं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन मुझे मिल चुका है, तो चैलेंज है। थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट टाइम मैंने विजिट करा विम्स एंड फैंसीज पालम विहार गुड़गांव जी, एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब और सब स्टोर में जाते हैं चाहे कितना भी ब्रांडेड हो, एक चीज पसंद आई, दो चीज पसंद आई, यहाँ मतलब मैं किसी एक भी चीज को ये बोल ही नहीं सकता कि यार ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। हर आर्टिकल मतलब अपने आप में डिफाइन कर रहा है अपने आप को कि व्हाई आई एम दिस मच प्राइसिंग, दिस मच एक्सपेंसिव, व्हाई आई हैव बीन केप्ट हियर, ऑलराइट, एवरीथिंग डिफाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। So hi, Sushant this side. So yes, if we talk about this place, Vims and Fancies, so yes, Shivam is the guy who knows how to, you know, kaise designs banana hai, and quality is top notch, and even though transparency aisi hai ki he has his factory Mayapuri mein jo hai, so aap ja ke dekh sakte hain ki what is the quality and kaise kaam ho raha hai aap pe. क्या आप जानते हैं शुभम जो है वो इंस्पिरेशन भी है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। इनफैक्ट शुभम को देखने के बाद, इफ आई मे से सो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आई नो ऑफ पर्सनली, दोज हु हैव गॉटन टू फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही हैज बीन सच अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ इंडियंस, राइट? ट्रूली ट्रूली, राइट? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैम कैसे लग रहा है विम्स एंड फैंसीज में आपको? या इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा, लगा यहाँ का हर चीज बहुत अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशंस एंड क्वालिटी वाइज सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, एंड क्लैप, यू आर अ क्लैप ट्रैप फैमिली मेंबर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद क्लैप ट्रैप? क्लैप ट्रैप ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर ही रखा हुआ है, मींस इतना अच्छा है कि आपने, आप ही के थ्रू हम लोग, आप ही के जजमेंट पे सारे जितने भी शोरूम्स में आज तक गए हैं, जितनी भी चीजें हमने ली हैं कैमरा फैमिली के होकर, तो वो सारी A1 ही निकली हैं अभी तक, एंड अभी भी बिलीव यही है, right. जो कुछ भी जहाँ से भी हम ले आगे, आप ये सब जो सर्विस हमें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा। I'm here to serve you and I'm doing my best in the best of my capacity with the best of my honest heart. Yeah. I'm trying to bring out the best of the people from the fraternity of furniture manufacturing and home decor item. Yeah. I hope I'm able to do that in the future as well. Yeah. Thank you very much. And keep doing this service. Thank you very much. Thank you so much.